पल्स पोलियो अभियान के तहत आज पंजाबी धर्मशाला में पलवल विधायक दीपक मंगला ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 1,82,422 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पलवल जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत आज पंजाबी धर्मशाला में विधायक दीपक मंगला ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 1,82,422 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विधायक दीपक मंगला ने पंजाबी धर्मशाला से जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि जिले में 27 फरवरी से 1 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं, ताकि हमारे देश से पोलियो की बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। आज यहाँ पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने की जो आज शुरुआत की है, मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे। आज सभी जगह इस तरीके के पोलियो ड्रॉप्स के कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी यहाँ भी लगाया गया है। कोई भी बच्चा ड्रॉप्स पिलाने से अछूता ना रहे, ऐसी ही मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ। अर्बल हेल्थ सलाहकार डॉक्टर अनु ने बताया कि अभियान के पहले दिन बूथ पर तथा दूसरे व तीसरे दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए जिले में 844 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि बूथों पर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। 27 फरवरी से हमारा पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है, जो जैसे कि 3 दिन का कार्यक्रम है। इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दी जाएंगी। पहला दिन हमारा बूथ की एक्टिविटी होती है कि बूथ पर बैठकर वहाँ पर दवाई पिलाई जाती है। दूसरा और तीसरा दिन हमारा घर घर जाकर 5 साल से छोटे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है। हमारी परिजनों से यही अपील है कि अपने घर से निकलकर अपने पोलियो बूथ पर अपने पास नियर बाय जो पोलियो बूथ है वहाँ पर आकर अपने बच्चों को दवाई पिलवाएं।